फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीरा वन की रेसिपी लेके आए हैं। ये इंदौर का फेमस मसाला है, इसे चाट मसाला भी बोलते हैं। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक गैस पैन रख दिया, गैस ऑन कर लेते हैं। चाहो तो सूप धनिया साबित धनिया भी यूज कर सकते हैं, पर हम धनिया पाउडर यूज कर रहे हैं। 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और 4 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। एक चम्मच भर के गरम मसाला डाल दें। सारी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं। ये मसाला भून गया, अब इसमें हम और चीज ऐड करेंगे। 4 चम्मच नमक, 4 से 5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। दो चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। और इसमें हींग ज्यादा डालेंगे। अब हमने गैस बंद कर दी, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें हम हींग और अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच हींग पाउडर ऐड करेंगे और 3 चम्मच हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। जब तक मसाला थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम अमचूर पाउडर और हींग ऐड करेंगे। 1 चम्मच हींग डाल दिए, 1 चम्मच और डाल दिए। इस पाउडर में ना हींग का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप चाट कोई भी चाट बनाए उसमें डाल सकते हैं, दही बड़े में डाल सकते हैं, या आप पोहा बनाए उसमें डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है। फिर सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। मसाला बनाना बहुत आसान है। आपके पास इसको साबित धनिया हो ना, आप वो भी ले सकते हो। पिसा धनिया इसलिए है, सारी चीजें पीसी हुई है तो थोड़ा पीसेंगे तो अच्छे से सब चीजें मिल जाएगी इसके अंदर। ये मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक बार मिक्सी में पीस लेंगे, जिससे ये सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। थोड़ा गर्म है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी पीसना है। अब इसमें हम 2 चम्मच भुना हुआ जीरा भी ऐड करेंगे। भुने हुए जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे से, जिससे एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। हम सारे मसाले को एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं और पीस लेते हैं। रेडी हो गया जीरा मन पाउडर। ये आप चाट में दही बड़े या जो भी कोई चाट बनाते हो उसके ऊपर डालोगे तो बहुत टेस्टी लगता है। रायते वगैरह में भी आप डाल सकते हो। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।